बस ठीक है, यही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज योर शशांक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग। टुडे इज 20th of March 2020। अभी देखो, अभी मस्त आराम से 11 बज गए हैं, तो सोचा ब्रेकफास्ट कर लूँ। ब्रेकफास्ट में क्या है, लेट मी शो यू। ब्रेकफास्ट में देखो, बनाना, एप्पल एंड थोड़ी सी नमकीन, इधर आपका पपीता हो गया। ये ना कॉफ़ी है ना चाय है, ये है दूध जिसमें हॉर्लिक्स मिला हुआ है। तो अभी कोरोना वायरस का देखो सीन कुछ ज़्यादा ही गंदा चल रहा है, तो इसलिए बाहर बाहर जाना बंद कर दो। जो भी आप लोगों जो बाहर जाते हो तो प्लीज़ बंद कर दो कुछ दिन के लिए। जो सीधी सी बात है, हमारा इम्यून सिस्टम यूथ का, एडल्ट का हमारा जो है इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, बट हमारे में आज अगर वायरस आ गया तो हम तो क्योर कर लेंगे, बट जो हमारे आसपास में जो बुज़ुर्ग होंगे या फिर बच्चे होंगे तो वो नहीं क्योर कर पाते हैं, तो उनके लिए स्पेशली थोड़ा सा हमें कंसर्न रखना पड़ेगा। सो इसीलिए अभी आज ये फर्स्ट डे है आप लोगों के हिसाब से। वैसे मेरा तो सेल्फ आइसोलेशन बहुत टाइम से चल रहा है, लेट मी शो यू कि मैं घर पर मैं कर क्या रहा हूँ। तो क्या सीन है, देखो भाई साहब, इस वाले बेड पे मैं सोता हूँ तो यही वाला आपको साफ दिखेगा, बराबर वाले पे देख लो कितना कचरा पड़ा हुआ है। इधर वाला देख लो, पूरे में कपड़े ही पड़े हुए हैं पूरे, मतलब ये सारा का सारा साफ करूँगा आज मैं, क्योंकि यार नहीं, ऐसे नहीं रह सकते ना। तो अभी सिस्टम कुछ ऐसा है कि मुझे ये वाला जो एरिया है ना, लाइक यहाँ से लेकर के ये अंदर का जो एरिया है कॉर्नर का, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि अपने लिए स्टूडियो बनाऊँ ताकि वहाँ पर बैठ के मैं वीडियोस बना सकूँ, एडिट कर सकूँ वीडियोस को, एंड अगर कुछ अगर पढ़ाई वढ़ाई भी करनी तो वहीं पर बैठ के मस्त आराम से पढ़ाई कर सकूँ। तो बट दिक्कत ये कि कोरोना वायरस के चक्कर में यार अभी सारा का सारा बंद पड़ा हुआ, और मुझे लेकर के सामान आना है, लाइक मुझे ट्राईपॉड चाहिए एंड प्लस मुझे रिंग लाइट चाहिए, क्योंकि ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच, तो इसके लिए मुझे जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो चलो भैया, अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं कुछ और क्या करें। एंड ब्रेकफास्ट डन है भाई, क्या हैवी ब्रेकफास्ट था। ओके, तो भैया देखो, अपना ब्रेकफास्ट करके तो हो गया सिस्टम एकदम सही, सेट हो गया सिस्टम। अभी क्या करना है, अभी मस्त, एक मिनट, ये लाइटिंग बड़ी परफेक्ट आ रही है। इधर वाला भी गेट खोल रखा, मैंने ये वाला भी, मैंने इस साइड वाला भी मैंने गेट खोल रखा, तो मस्त एकदम परफेक्ट लाइटिंग आ रही है। अच्छा जी भाई, इसको यार धोने के लिए देना पड़ेगा, सो इसको साइड में रख। एंड अब आती है इनकी बारी है शुरेक की। चलो जी, तो अभी जो है सिस्टम हैंग करते हैं शूज के लिए। अरे बाप रे, और दो शूज इधर पड़े, एक इधर पड़े हुए हैं। ये तो गड़बड़ हो गई, इसको और इन दोनों को कहाँ रखूंगा मैं, कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो भैया ऐसा है, देखो ये अपना सिस्टम लग गया है, ठीक है। अभी ना, अभी मैं ज़्यादा सफाई वफाई करने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। फाइनली सफाई हो गई, एंड मेरा ऑफिस का भी लाइक मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है कि ऑफिस कहाँ बनेगा, क्या करूँगा मैं। ब्रो इट्स 3:29, मैं मॉर्निंग से लगाऊँ 11 बजे से मैं लगाऊँ। फाइनली डन हो गया, लेट मी शो यू राउंड। ओके, ये अपनी ये टेबल भी साफ हो गई, ये वाले गद्दे अभी दिखेंगे नहीं, क्योंकि गद्दे मैंने बाहर डाले हुए हैं। सो ये वाली टेबल जो है ना, मैंने सोचा है, ऐसा कुछ सोचा है कि ये वाली अलमीरा इस साइड में कर दूंगा, टेबल्स को उठा करके इधर कहीं मैं सेट करूंगा ताकि मेरा ऑफिस बन सके। तो अलमीरा जैसे यहाँ पे आ जाएगी ना, मस्त आराम से यहाँ पे चेयर जाएगी, यहाँ पे टेबल्स जाएंगी दोनों। ये वाला जो है ना, इसको मैं रैक को इस साइड में रखूंगा या फिर कहीं और रखूंगा, कुछ इसका मैं फिगर आउट करूंगा। देखो ऐसा है ना कि ऑफिस थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखना चाहिए, एक कॉर्नर अगर रहता है अपना मस्त आराम से वर्क स्पेस। सो अभी चलो, अभी फिलहाल के लिए नहा लें फटाफट से, क्योंकि अभी तक नहाया भी नहीं है मैंने, तो नहा लेता हूँ, उसके बाद में कुछ खाते हैं और सुबह से, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद में कुछ खाया भी नहीं है, तो भूख भी लग रही है बहुत गंदी वाली। फाइनली नहा धो करके रेडी हो गया हूँ मैं मस्त एकदम। देखो भाई सब, 4 बज गए हैं और भूख लग रही है बहुत गंदी वाली। खाने में दिक्कत केवल एक ही है कि यार मैस में हो सकता है खाना खत्म हो गया हो, क्योंकि 4 बज गए, 2 बजे के आसपास में खाना खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले के ऊपर है कि भाई फाइनली भाई साहब, देखो खाना हो गया मस्त था। चलो जी अभी यार वीडियो एडिट करते हैं, क्योंकि देखो भाई साहब बहुत टाइम हो गया है वीडियो को लाइक डाले हुए, आई थिंक 15 दिन हो गए हैं मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो अभी एडिट करते हैं। देखो लैपटॉप वहाँ रखा है, वहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ पे करूँगा, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे, मुझे एक एक्सटेंशन लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब देखो ऐसा है कि हमें ना, क्योंकि भाई साहब देखो ऐसा है हमें ना, हमें वहाँ पे हमें ऑफिस जमाना है, तो वहाँ पे अगर ऑफिस जमाना है तो वहाँ के लिए स्विच बोर्ड तो चाहिए ना, लेकिन कैसे चलाओगे,
तो उसके लिए करना पड़ेगा जुगाड़, चलो करते हैं। ओके, तो मुझे ना मुझे आप लोगों से एक सीरियस टॉपिक पर बात करनी थी, दैट इज कि आजकल कोरोना वायरस इतने मतलब लाइक दो तीन फेज होते हैं किसी भी चीज़ के एक्सपेंड करने के, पहला इनिशियल फेज, उसके बाद में मीडियम फेज आता है, उसके बाद में आता है पीक पॉइंट, देन आफ्टर फिर लो होना था, उसके बाद में ख़त्म होता है। तो अभी कोरोना वायरस पता कहाँ पे है, मीडियम फेज क्रॉस करके पीक पर पहुँचने वाला है, एंड इट्स अ टाइम ऑन अ सीरियसली नोट, इट्स अ टाइम जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हमें केयर करने की ज़रूरत है खुद की, सोशल डिस्टेंस हमें बना के रखने की ज़रूरत है। सी ईरान एंड इटली में क्या हुआ, यही सीन हुआ है कि वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को हल्का लिया, कोरोना वायरस को हल्का लिया, एंड वो सारी चीज़ें नॉर्मली करते हैं। एंड आज का टाइम ये है कि चाइना से ज़्यादा डेथ जो है जो ईरान इटली में हो चुकी हैं, तो हमें इंडिया को वो नहीं बनाना है। अगर हम घर में बंद होकर के रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखेंगे एंड आइसोलेशन में रहेंगे, सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे, तो हमारे लिए फायदेमंद है, प्लस हमारी सोसाइटी के लिए फायदेमंद है। अगर पॉसिबल हो तो अकेले रहो, और अगर अकेले रहना अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम कम गैदरिंग में रहो, लाइक ठीक है फैमिली में रह रहे माँ बाप के साथ में। जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि मुझे नहीं होगा या फिर मुझे होगा तो मैं क्योर कर जाऊंगा, एडल्ट्स में इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो वो क्योर हो जाता है बहुत जल्दी, वॉर नहीं हो रही है, कोई बॉम्ब धमाका नहीं है कि नहीं ऐसा है ना वहाँ हम नहीं जाएंगे तो वहाँ से तो हम बच जाएंगे, भाई साहब ये वायरस है किसी में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग आना जाना बंद करें, अभी यारी दोस्ती रिश्तेदारी तुम्हारी गैदरिंग सारी चीज़ें ट्रैवल सब चीज़ें हो जाएंगी बाद में, अगर जान बची तो। जान कैसे बचेगी, घर रह के सेल्फ आइसोलेशन करो, खुद का ध्यान रखो। और हाँ दूसरी चीज़, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ न्यूज़ में कि लोग पैनिक होकर के मार्केट जा रहे हैं, जो जो चीज़ मतलब भरे जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ ज़रूरत नहीं वो भी भरे जा रहे हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, को सबको लेने दो, क्योंकि सीधी सी बात है हर किसी के ऊपर ये प्रॉब्लम है कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, यार देखो एट द एंड ऑफ द डे इंसान सब है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो अब अगर आपके आप अगर अमीर हो तो सारी चीज़ें आप खरीद के रख लो और गरीब हो कुछ ना में, तो ये नहीं करना है, आपकी जितनी जरूरत की चीज़ें वो ले लो। तो या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी का मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक और नए वीडियो में, दैट इज मोस्ट प्रोबब्ली कल या परसों जब भी आएगी।